नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर सदर तहसील में उप जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर अंकुर लाठर ने लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान काफी लंबी लाइन लगी रही, आपको बता दें। वहीं दूसरी ओर लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपालों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सदर तहसील परिसर स्थित मंदिर परिसर में लेखपाल एकजुट हुए और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि उनके साथियों को, जिनको प्रतिकूल प्रविष्टि दिया गया है, वे वापस लिया जाए। इस दौरान लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष ने भी मीडिया से बातचीत की। आप सुने उन्होंने क्या कहा। अपना परिचय देने पहले, जिला अध्यक्ष लेखपाल संघ जी, नाम पारसनाथ पासी। क्या है कि इन बातों के मुद्दों को लेकर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं तहसील में? पिछले मंगलवार को तहसील दिवस हुआ था, इसमें जिलाधिकारी महोदय आए हुए थे। अनाप शनाप दरखास्तें पड़ी, जिन दरखास्तों का कोई मतलब नहीं था, उस दरखास्त को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम मैडम ने 6 लोगों को अटोरिटी दे दी। उसके खिलाफ मूल रूप से यही हमारी समस्या थी उस दिन की। और जो हमारे नए लेखपाल हैं, इनका स्थायीकरण अब तक नहीं हुआ, अभी तक इनकी 2 साल और सेवा हो चुकी है। इनको एसडीएम को अपने खुद सब फाइल तैयार करवा के कर देना चाहिए, लेकिन अब तक उनका भी कोई कार्य नहीं हुआ। कोई भी कार्य यहाँ करवाया जा रहा है, शासन की मंशा हो या इनका अपना ईगो हो, आईएएस का ईगो हो, अभी दीजिए, अभी दे रही है काम और 1 घंटा के बाद दीजिए। यह काम करने का तरीका तो है नहीं, जाँच पड़ताल नहीं करेंगे, हमसे गलतियाँ होगी, तमाम कार्रवाई होगी। यही सब सारी समस्याएं हमारी यहाँ। कब तक आप लोग का प्रदर्शन चलेगा? जब तक एडवांस एंट्री वापस नहीं होती है तब तक चलेगा। ठीक है, तो कितने लेखपालों करवाई गई? 6 लोग। 6 जी। तो आप लोग वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जी? मुख्य मांगे और क्या क्या? मुख्य मांग हमारी इस समय यही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।